मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डॉक्टर रुमिलेश का एक दोहा है, तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। इस दुनिया की आधी आबादी जो आधी आबादी से आगे है, इस दुनिया की आधी आबादी जो आधी आबादी से ज्यादा परिश्रम करती है, इस दुनिया की आधी आबादी जो आधी आबादी से ज्यादा बड़ा जज्बा रखती है। आप कहेंगे आप तो पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात की बात नहीं। एक माँ, एक बेटी, एक बहन बनना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बावजूद घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद जब महिलाएं तय कर ले कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, सफलता पानी है, तो करके दिखाती है। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण। वो राजनीति में जाना चाहे तो इंदिरा गांधी बन सकती है, वो अंतरिक्ष में जाना चाहे तो कल्पना चावला बन सकती है, वो खेलना चाहे तो सानिया बन सकती है, अगर वो अभिनेत्री बनना चाहे तो माधुरी दीक्षित बन सकती है, ऐश्वर्या राय बन सकती है, अगर वो गायक की गायिका बनना चाहे तो लता मंगेशकर बन सकती है। यानी कि सफलता के द्वार उन सभी महिलाओं के लिए सदैव खुले रहते हैं जो जज्बा रखती हैं। और एक ऐसी ही कहानी जज्बे की आज हम सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती मंजू शर्मा, स्वागत है आपका मंजू जी। सबसे पहले तो मुझे आज इसलिए खुशी है कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आप पहली महिला हैं मैं जिनसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपने अपना परचम जो है फहराया, और ऐसे क्षेत्र में फहराया जिसका अनुभव आपको बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपने कर दिखाया। आपका जन्म म्यांमार में हुआ, जिस वक्त उसे बर्मा कहा जाता था, जिस वक्त उसे बर्मा कहा जाता था, वहाँ आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली, शुरू करी थी जी, और उसके बाद वहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गए, शिफ्टेड इंडिया। फिर आपने पढ़ाई क्या की, बताएं। पढ़ाई पहले तो दिल्ली में करी, कॉन्वेंट स्कूल कोई होता था, एंड देन जयपुर शिफ्ट हुए तो देन जॉइंट सेंट्रल स्कूल, ओके, और वहीं पर ही अपनी एजुकेशन ख़त्म भी करी एक्चुअल में। सो आई डिडंट चेंज स्कूल टू मच। सो एक तरह से देखा तो जयपुर इज योर होम टाउन, बिकॉज़ यू स्टडीड ओवर हियर, डेफिनेटली। और आपने यही बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस इन जूलॉजी में आप मास्टर्स कर रही थी, हाँ। और फिर आपने विवाह कर लिया, तो जीवन को मास्टर्स करने के लिए आगे बढ़ गई आप। यस, डॉक्टर मंजू शर्मा के पति एक बड़े मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें मैं भी व्यक्तिगत रूप से मिला हूं अमेरिका में, डॉक्टर समीन शर्मा, जो बड़े प्रसिद्ध भी हैं, और वहां फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गई। लेकिन मंजू जी, अमेरिका में आपने फिर काम किया डायमंड्स के फील्ड में, वो कैसे चुना आपने, बैचलर ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ डायमंड्स? एक्चुअल में डॉक्टर शर्मा का बड़ा इनिशियल स्ट्रगलिंग स्टेज होता है, हर डॉक्टर का होता है वहाँ पर, और ऑब्वियसली फैमिली भी थी तो बच्चे भी थे उस वक्त, तो भी कैसे क्या। मम्मी का एक बड़ा स्ट्रिक्ट था कि दो औरतें घर में नहीं बैठने की। ये दैट्स अ वेरी गुड लाइन कि दो औरतें साथ में रहनी, मेरे एक काम नहीं करे तो दूसरी करे। हाँ, तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख रही हूँ तो तुम काम करो, एंड आई थिंक वही चीज़ थी जो 7 years मम्मी वॉज विद मी, तो कहते दो औरतों का घर में कोई काम नहीं, आप काम करिए। और उस वक्त क्योंकि डॉक्टर शर्मा स्ट्रगलिंग उसमें थे तो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा एक हेल्प हो जाता है, तो ऐसे शुरू हुआ वहाँ पे। आई एंजॉयड, और 2000 हीरे की परख हो गई। हीरे की परख तो आपको 1982 में भी थी जब आपने विवाह किया, तब भी आपको हीरे की परख तो थी ही, और उसके बाद तो आपकी हीरे की परख जो ये जो जिंदगी में जो नकली हीरे हैं इनकी परख भी आपको होने लगी, और आपने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन मैं मिस्टर शर्मा ये बात कहना चाहूँगा कि आप डायमंड्स में काम करती थी, एंड सडनली यू हैव बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल, जो हेल्थ में आप जो सेक्टर में आ गई, इतना बड़ा एटर्नल हॉस्पिटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, जो आपने 2007 में सपना देखा और 2013 में शुरू किया। व्हाट इज द मोटो एंड द आई वुड से इसके पीछे क्या कहानी क्या है कि आपने कैसे सोचा मैं कैसे करूँगी, और सबसे बड़ी चीज़ मैं अमेरिका से हिंदुस्तान आऊँगी और यहाँ करूँगी मैं। ये एक बहुत बड़ी तारीफ की बात है, वहाँ सुविधाजनक जीवन में रहने के बावजूद मैं जानता हूँ अपने बहुत सारे दोस्तों को जो वहाँ रहते हैं और वो किसी कीमत पे वो देश छोड़ के नहीं आना चाहते, और वहाँ से कोई ये तय करे और ख़ासतौर पर एक महिला तय करे कि मैं जाऊँगी और अपने ही देश में जाके शुरू करूँगी, इसके पीछे क्या जज्बा? एक्चुअल में जब डॉक्टर शर्मा हॉस्पिटल जाते थे तो आई यूज टू कंपनी हिम समटाइम्स, तो इन द हॉस्पिटल, हाँ, ऑब्वियसली फिर डिलीवरीज में आई सॉ द सिस्टम ओवर देयर, मैंने कहा बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन साइंस, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे टू ग्रास्प एनी साइंटिफिक और क्लिनिकल फैक्ट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। तो ये सब मतलब आप बोल सकते हैं कि 85, 86, 87 जब मैं काफ़ी कॉन्टेक्ट में आए तो एक रहता था कि कुछ इंडिया को देना चाहिए। आई वॉज ऑलवेज मेसमराइज एक्चुअली जो केयर वहाँ पे पेशेंट को मिलती थी, और ये धीरे धीरे मतलब जब तक हम लोग 2000 में आए इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटी कि इंडिया में एक हमको बनाना है बेस्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, बेस्ट ऑफ द हेल्थ,
और ये था कि रेप्लिकेट करना है इंडिया अपने अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम. एंड समहाउ हमारी जो सीएम साहिबा थी वसुंधरा जी, शी हैपन टू बी इन न्यूयॉर्क अपने राजा राणा के फंक्शन में, राणा के फंक्शन, क्योंकि मैं भी उस वक्त वहीं था. ओके, बिकॉज़ आई होस्टेड दैट मैरियट होटल में. जी जी, मैरियट में जो राणा का फंक्शन था, एंड आई वाज द होस्ट ऑफ द इवेंट. तो अब वहाँ पे ये था कि उन्होंने माउंट साइनाई देख लिया था, तो वसुंधरा जी ने कहा ये इतना बड़ा हॉस्पिटल ना जयपुर को क्यों नहीं दे रहे. तो फिर सर ने कहा भैया मैं दिल का डॉक्टर हूँ, तो मुझे लैंड दीजिए जयपुर के दिल में, सेंटर ऑफ द सिटी में, क्योंकि उसका यूज़ तभी हो सकता है बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैडम ने आई थिंक 2-3 वीक्स के उसमें ही शी पिक्ड अप, उनकी टीम ने पूरा काम किया और एक लैंड्स दिखानी शुरू करी. एंड टिल दैट टाइम आई वाज नोवेयर इन द पिक्चर. ओके, नोवेयर इन द पिक्चर. हालांकि उन्होंने उस दिन ये प्रिडिक्ट कर दिया था, डॉक्टर शर्मा को बोला था संभालने वाले तो यही है. एंड आई जस्ट स्माइल्ड इट आउट एंड कहा चलो देखते हैं. फिर ये सब पेपर वर्क वगैरह शुरू किया एंड 2009 में ऑफिशियली वी गॉट डीड ऑफ दिस पेपर. देन यू स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल. यस, उसकी भी एक स्टोरी थी. हम लोग कुछ डील साइन होने वाली थी तो कुछ क्लॉक कुछ ठीक नहीं था एंड आई वॉकड आउट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट. क्या ठीक नहीं था? डील कुछ ठीक नहीं था. अच्छा, ओके. तो आई वॉकड आउट क्लॉज ऑफ द डील. सम क्लॉज ऑफ द डील तो जो ठीक नहीं था एंड डॉक्टर शर्मा वॉज बिट अपसेट कि लास्ट मिनट में डील है सो कैसे खराब हो सकती है. तो मैंने कहा यू टेल मी वन रीजन, वन स्टेटमेंट वाई यू वॉन्ट टू बी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि मैं कौन, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडिया में आके थोड़ी ना ये सब काम करूँगा, कौन बनाएगा ये हॉस्पिटल और ये वो. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट यू वांट समवन एल्स, यू वांट समवन एल्स, तो फिर कौन करेगा. मैंने कहा मैं करूँगी. क्या बात, ये मैं करूँगी, ये जो कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, ये बड़ा कमाल का है. जब मैंने बोला ये मैं करूँगी तो उनका एक था हा. अच्छा, एक ये बड़ा सार्कास्टिक टोन था कि तुम करोगी ये वाला. हाँ यार. एंड मैंने कहा कह दिया कर दूंगी, फॉर यू आई विल डू इट. तो ठीक है, उनको ये सुन के उनको भी जोश आया कि शी इज़ राइट. तो सारी चीज़ वहीं पे ख़त्म हुई एंड आई वेंट बैक टू न्यूयॉर्क. मैंने सबको बैठा के बोला और वो डील उस जिससे होनी थी उनसे नहीं हुई. ऑब्वियसली वो तो हाँ बिल्कुल. न्यूयॉर्क गई एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी वी हैव टू सिट एंड टॉक, मैं बहुत बड़ा कमिटमेंट करने जा रही हूँ एंड वंस आई गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस you know everybody ki I'm not coming back, you know. Ye koi project chota nahi hai, ye choti baat nahi hai. ha to maine kaha ki and I don't want any situations or circumstances where I have to you know break my commitment, so you decide now. Because it was not commitment about the hospital, it was commitment about your country and the health sector, I would say. Exactly, maine kaha you decide, you give me commitment, then only I'll take plunge. ji aur everybody agreed aur 2009 से फिर यहाँ पे हूँ. और हाँ, सब ने बोला लोग भाई यहाँ पे कमरा नहीं बना सकते, आप हॉस्पिटल बनाने चला रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं. 250 beds and all multi speciality. All multi speciality. Exactly, you wanted to replicate the American system. तो आपने बिल्कुल वैसा ही बनाया है. वैसा ही बनाया है. एक्चुअली मैं शुरू में तो मीडिया भी बहुत पूछती थी आप बना क्या रहे हैं, हमको लग रहा है होटल बन रहा है, कोई कह रहा है मॉल बन रहा है, आप क्या बना रहे हो. तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो क्या हमको कुछ दी, कोई इन्फॉर्मेशन तो दीजिए. मैंने कहा कि अभी तो कुछ बना नहीं है, लेट माई वर्क स्पीक. राइट, तो वो टाइम भी आएगा जब आप लोग आएंगे और इसको देख लेंगे. बट क्या आप बहुत लो प्रोफाइल हैं. मैंने कहा नहीं, लो प्रोफाइल नहीं, आई एम अंडर प्रोफाइल एंड आई एम वेरी मच ओके विद इट. मैंने कहा लेट माई वर्क स्पीक. और दिन यहाँ पे आया कि वी फिनिश्ड इट एंड 1.5 साल पहले मैंने लॉन्च किया एंड इट हैज बिकम अ नेम. एंड यू आर डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल. यस, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन. आई जस्ट वन क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द, आप जब महिलाएं इस फील्ड में होती है तो ये थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं और चैलेंजेस आते हैं. मसलन दो तरह के मैं बताना चाहूँगा. एक तो ये कि जब डॉक्टर्स हैं डेफिनेटली वेल एजुकेटेड पीपल हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, और एक महिला जो है वो MD है, चेयरपर्सन है, तो कोई ईगो हैसल्स नहीं आते कोई ऑर्डर्स लेने में या इस तरह से कोई कि भाई ऐसा तो कभी नहीं होता. या इंसिडेंट्स उसमें
किसी ने, मैं आई कैन नॉट गो बैक नेम, हाँ, उसमें किसी ने मेरा कार्ड देखा तो कहा कि मंजू आई नेवर न्यू दैट यू आर एमडी. अच्छा एमडी, ही थॉट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. यस जी. तो मैंने कहा कि या आई एम एमडी, आई एम मैनेजिंग डॉक्टर्स. तो देयर वाज अ ह्यूज अप्लॉड इन द रूम. अच्छा दैट्स अनदर थिंग. सो रीजन व्हाई एंड हाउ आई कुड डू इट, because I'm managing Dr. Sharma every day in my life. Oh my God, that's a statement that she's managing Dr. Sharma every day since 1982. So she can manage a lot of people. So I know the pulse. Thing. I know the pulse of a clinician, and you know their vision. They work at different level completely. Right, they are not. I would see all they are because उन लोगों का pressure और बहुत ज़्यादा होता है. They are not human beings. They are superhuman beings. They are superhuman. There's no doubt about it. So many things, you know, it goes in their mind. Especially, I would say cardiologists, all the physicians, but especially I would say, you know, surgeons like. There's a very very. आपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात की, वाई सुपर ह्यूमन बींग. एक अच्छा एक मुझे ध्यान आ गया, किस्सा बहुत पुराना है. इन समवेयर इन द यू नो इन फॉरेन कंट्री देयर वाज अ डॉक्टर, उसकी कार खराब हो गई थी. ही वेंट टू अ मैकेनिक और यू नो कार को गड़बड़ हो गई, इंजन गड़बड़. तो मैकेनिक गया और ऐसा ठीक किया और स्टार्टेड बैक. तो मैकेनिक ने डॉक्टर से सवाल किया, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट. ओके. डॉक्टर से सवाल किया, बोले साहब मैं ये कार का हार्ट तो ये इंजन ही है बिल्कुल, और ये बंद हो गया, मैंने इसको शुरू कर दिया. आप भी जो शरीर का जो इंजन है, जो हार्ट है, वो शुरू कर देते हो तो आप इतना पैसा क्यों चार्ज करते हो? मेरे को तो आपने ऐसा थोड़ा बहुत पैसा दे दिया. तो डॉक्टर सेड, इट्स अ वेरी स्मार्ट आंसर, कि जब मैं ह्यूमन बींग का इंजन शुरू करता हूँ ना, तो उसे ऑफ करके शुरू नहीं करता, उसे ऑन करके मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ता है. यस राइट. सो दैट्स अ क्वालिटी ऑफ बींग सुपर ह्यूमन, कि आप एक जरा सी भी गलती नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली हो रहा है, नहीं वही उसमें वही जज्बा वही होता है. क्योंकि आप कह रहे कि भी व्हाई दे आर चार्जिंग सो मच, सो आई वुड से दोस 20 इयर्स व्हेन यू पीपल वर स्लीपिंग राइट एंड दे वर टॉइलिंग इन द नाइट. सो स्पेशली विद डॉक्टर शर्मा, यू नो हिज कलीग्स, सिंस ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू स्लीप एंड ही वाज स्टडीइंग. So he will never go out. His first movie in life was Rajinikantha. Ah. He never saw any movie before that. Yeah, he was that much into study. So that's what is important, you know, how much time and kitna usme mehnat hai uske piche, time hai. Shiddat se usko. Aur sabse badi cheez wo kaam, dekhi do kamon ko jeevan mein kabhi bhi compare nahi kiya ja sakta. You cannot compare, you know, apple with oranges. So you cannot compare these things, right? लेकिन एक बात तय है कि आपने जो इतना बड़ा हॉस्पिटल अपने जज्बे से खड़ा किया, इतने पीछे डेढ़ साल पहले उसको लॉन्च कर दिया, आई मीन आई मस्ट अप्रिशिएट कि एक बीइंग लेडी इतना सब काम कराना, हॉस्पिटल खड़ा कर देना, उसके बाद फैमिली लाइफ भी मैनेज करना. हाउ डू यू मैनेज नाउ? यू शटल बिटवीन यूएस एंड इंडिया? यस, एवरी 3 मंथ्स. अभी लास्ट होल ईयर आई डिडंट गो टू यूएस बिकॉज़ ऑफ द कोविड सिचुएशन. वी डिडंट सी ईच अदर फॉर होल ईयर आई वुड से, बट यस एक्चुअली यू नो डिस्टेंस डजंट मैटर. Right. To me, distance doesn't matter. How close you are, you know, at your soul level, that's what is more important. दोस्तों कितनी बड़ी बात कही है मंजू जी ने कि दूरियां जो है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, आपकी आत्मा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है. एक महिला, एक जीवट वाली महिला बहुत शिद्दत के साथ ये तय करती है कि मुझे हेल्थ सेक्टर में काम करना है, हॉस्पिटल एक ऐसा बनाना है राजस्थान में, हिंदुस्तान में जाके जो अमेरिकन हेल्थ सिस्टम्स के बराबर हो, और वैसा हॉस्पिटल भी बना के दिखाती हैं, फैमिली लाइफ भी मैनेज करती हैं, और सब कुछ करने के बाद एक इतना बढ़िया खूबसूरत हेल्थ सेक्टर को एक उपहार देती हैं जो एटर्नल हॉस्पिटल के रूप में हमारे सामने है. एनी ड्रीम्स दैट यू वांट टू एक्सपैंड समथिंग और एक्सटेंड समथिंग? यस, आई एम वेरी एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ दिस हॉस्पिटल. ये हॉस्पिटल छोटा पड़ने लगी, 250 छोटा पड़ने लगी, बहुत छोटा पड़ने. यू वांट टू मेक इट बिग, बिगर नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट. And अब जो अपकमिंग जो चल रहा है, दैट आई वॉन्ट माई ट्रांसप्लांट प्रोग्राम टू ग्रो फर्दर. बहुत, क्योंकि ट्रांसप्लांट में अभी काफ़ी उसमें बड़े इमोशनल चीज़ है जो विच इज़ टचिंग मी. ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात, तो उस पर मेरा चल रहा है काम एक तो. और बेसिकली सेकेंड थिंग इज आई कॉल इट DHB, बेसिकली डायबिटीज हार्ट and blood pressure. That's what where I want to work with schools actually, where we can teach adolescents
कि कैसे केयर करनी अपनी लाइफ आगे प्रॉब्लम्स नहीं आए, ताकि प्रॉब्लम्स कभी, बिकॉज़ वी हैव टू वर्क ऑन प्रिवेंशन नॉट ऑन क्योर, क्योर तो वी हैव नाउ, सावधानी बहुत जरूरी है इलाज से पहले, या सो प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन कैन नॉट कम लेटर ऑन, इट्स राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट हाउ यू फीड योर बॉडी, whether it's, you know, feed your whole system actually, not only body. So it doesn't get... It has to be mental also, it has to be physical also. And in case if you get into this situation, how to take care? So cure is here anyway. I want to teach these kids how to take care of themselves. So Dr. Manju Sharma, hospital ke alawa ek aisa... बच्चों को ये सिखाना चाहती हैं आपके सिस्टम्स में चेंजेस, ताकि आपको जीवन में बीमारियां परेशान ही ना करें. सो यू शी वांट्स टू ऐड समथिंग मोर टू द एजुकेशनल सिस्टम एज वेल विद द हेल्प ऑफ हेल्थ सेक्टर. मंजू जी, आप ये हॉस्पिटल बनाया था, इस बीच में कहीं आपको ऐसा निराशा हुई कि यार मेरे को परेशानी हो रही, आई डोंट वांट टू डू इट, एनी मोमेंट, और यू डिड नॉट हैव दिस एट ऑल? नेवर. आई थिंक एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज अ न्यू होप, एवरी डे. जब मैं देखती हूँ आईसीयू में पेशेंट 20-20 दिन 30-30 दिन बाद ठीक हो रहे हैं, तो यू गेट एनर्जी. यू गो टू हॉस्पिटल डेली? एवरी डे. एवरी डे, ऑलराइट. एंड हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड देयर? दैट डोंट आस्क. राइट. नो मैटर व्हाट. नो मैटर. आई एम पर्सनली देयर फॉर एनी वेरी सीरियस पेशेंट. आई हैव लिस्ट ऑफ माय सीरियस पेशेंट्स राइट नाउ. आई नो हाउ मेनी पेशेंट्स आर ऑन वेंटिलेटर, दैट आल्सो आई नो. सो आई वर्क वेरी. सो आप सिर्फ कहने को मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, आप ईच एंड एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग, एंड दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू हैव टू अटैच योरसेल्फ विद द पेन, यू नो, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन दैट शू टू फील दैट पेन, टू फील दैट एग्नी. एंड इट्स नॉट दैट ओनली वन काइंड ऑफ थिंग, उसमें फाइनेंसिस भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं, उसमें उनकी सफरिंग इन्वॉल्व. एक बहुत पुराना बहुत अच्छा दोहा है कि जाके पैर न परी बिवाई वो क्या जाने पीर पर. Exactly. तो मतलब जब आपके पांव में दर्द नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा दर्द नहीं कैसा होगा, उनकी फीलिंग क्या तो है, आप ये महसूस करती हैं कि उनका दर्द क्या है. बिल्कुल. अभी खास करके अभी जो हम और जो देख रही हूँ इस जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, जो अभी मेरा बहुत इंटरेक्शन अभी, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो बहुत ऐसे मेरे लोगों के साथ में मेरा बड़ा इस वक्त संपर्क में आई हूँ, जो देना चाहते हैं, जो इस स्टेज पर उनको देना है और अपने प्लेज कर रहे हैं. We will do it. हाँ, तो वो एक जज्बा जो actually I wrote it down something for organ donation. अभी हम लोग का ट्रांसप्लांट का जो भी I think उसको ये लोग रिलीज करेंगे, मैं उस जज्बे, क्योंकि एक बच्चे के मैं ऐसे कॉन्टेक्ट में जो ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, एट दैट स्टेज ही नोज कि मैं, it's a big thing what you are talking about. हाँ, तो वो जज्बा, हालांकि मेरे को याद नहीं है, I'll have to see that. Please, क्या है do. Because one NGO got in touch with me also from Kolkata. वो organ donation के लिए कुछ कर रहे हैं. They wanted me to कि आप कुछ बोलें लोगों को. इतना उस बच्चे ने मुझे इतना inspire किया, उस बच्चे की जीने की चाह ने मुझे इतना दर्द दिया कि हम क्या कर सकते हैं, और वो जो इंतजार कर रहे हैं हमको ऑर्गन मिले. आप देखिए दोनों का दर्द, एक तरफ ये है कि एक जिंदगी जा रही है, वो दूसरे को जिंदगी देना चाहता है, दूसरे लोग जो जिंदगी चाहते हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जिंदगी जाए तो ये जिंदगी मिले. आई मीन दैट्स अ सच अ पैथेटिक. बहुत दर्द उसमें था, और वो दर्द को मैंने इसमें उतारने की कोशिश करी. आप देखिए, तेरे वंश का ही अंश हूँ मैं, तेरे वंश का ही अंश हूँ मैं, अस्तित्व से अनंत हूँ मैं. क्या बात. तेरे वंश का ही अंश हूँ मैं, अस्तित्व से अनंत हूँ मैं, जीवन पथ पर कुछ कर जाऊं, पद चिन्ह अपने मैं छोड़ जाऊं. क्या बात है. तुझ संग नहीं तो किसी और संग ही जी जाऊं. वाह. दानवीर करण नहीं, मैं महादानवीर बन जाऊं. क्या बात, बहुत बढ़िया. वाह 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 वाह. उस बच्चे ने, इट हिट मी सो बैड. उसमें जो दर्द है, जो संवेदना है, I can just feel it. और ये लिखा आप ही नहीं? I write also. तो मैडम, थोड़ी माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए. मुझे क्षमा करें यार, आप हॉस्पिटल चला रही हैं, आप डॉक्टर नहीं है पर हॉस्पिटल इतना बड़ा खोल रही हैं, अब आप कवियों के पेट में भी लात मार रही हैं, तो कैसे चलेगा? नहीं, वो मेरा दर्द है एक्चुअली जो मैं उनको ऑन अ लाइटर साइड ये मैंने आपसे कही, लेकिन आपने जो लिखा है वो इतना कमाल का है. उस जो फीलिंग है, उस जो आपने लिखा कि तेरे संग नहीं किसी और संग ये चीज, ये पंक्ति अपने आप में इतनी बड़ी है, ये और इससे बड़ा दान को आपने कहा महादानी. हाँ. ये शब्द ही छोटा है. जब आप किसी को जीवन सौंप के जा रहे हैं, इससे बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं होता. एक जीवन नहीं, आप देखिए 8-7 जीवन आप देख के जा सकते हो. क्या बात है. I'm very happy today to see
मिसेज मंजू शर्मा, आई हैव सीन हर हस्बैंड कपल ऑफ टाइम्स, पहले मैं उनसे मिला हूँ एक दो बार बहुत साल पहले, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, माफ़ करेंगे डॉक्टर समीन शर्मा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि अ लेडी ऑफ स्टील, अ लेडी ऑफ आयरन, आप देखें जो डॉक्टर नहीं है लेकिन आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मैनेज करती हैं, जिनके सीरियस पेशेंट की लिस्ट उनके पास हमेशा साथ रहती है, शी नोज़ कौन वेंटिलेटर पे, कौन नहीं है, कितने डॉक्टर हैं, कितने पेशेंट हैं, किसको क्या इलाज चाहिए, वो एक एक चीज़ ध्यान रखती है, वो ये चाहती है कि आने वाली पीढ़ी ये सीखे कि वो बीमार न पड़े, तो उनको अभी से उनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ किया जाए। वो ऑर्गन डोनेशन के लिए इतना बड़ा काम कर रही है, आपको लगता है छोटा काम है? ये छोटा काम नहीं है, और ये सारे काम संभालती है पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर मंजू शर्मा। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, आपके जज्बे से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे, मैं भी आपसे प्रेरित हुआ हूं निश्चित तौर पे, यू विल इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल, थैंक यू वेरी मच। आई एम वर्किंग विद वुमेन आल्सो, वो भी थैंक यू, नाइस वर्किंग। ऐसी जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा, कहां माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश प्रोटा।